आज की सुबह की प्यार भरी नमस्ते आप सभी मित्रों को। मित्रों, मैं आप सभी की मित्र लक्ष्मी देहरादून उत्तराखंड से आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ आपकी ही इस छत बगिया में। फ्रेंड्स, सुबह की तो ये शूट की हुई वीडियो है, लेकिन डालने में थोड़ा ये विलंब हो गया है, क्योंकि आज जैसा कि आप सभी मित्र जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो आप सभी को सर्वप्रथम राखी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज हाजिर हुई हूँ एक छोटे से ओवरव्यू के साथ। आप देखिए, दो प्लांट है, एक जरबेरा है और एक गुड़हल है। तो ये अभी हाल ही में मैंने परचेज़ किए हैं, इन्हें रिपोर्ट मुझे करना है। उसके साथ ही यहाँ पर देखिए आप, ये है स्वीट पोटैटो वाइन। इसके दो कलर्स यहाँ पर हैं, ये देखिए, एक तो डार्क शेड में है, ये देखिए वाइन शेड में है। बहुत ही खूबसूरत ये कलर लगता है, और नियॉन कलर के तो फिर कहने ही क्या। इससे आगे की तरफ आती हूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मेरे दो कटिंग से लगाए गए ये कोलियस हैं। देखिए इस तरह से इसमें फ्लावरिंग होती है। आपको अगर प्लांट काफ़ी लंबे समय तक सुंदर बना हुआ चाहिए, देखिए इस तरह से वीडियो शूट के साथ साथ पीली हुई पत्तियों को भी मैं निकाल दिया करती हूँ, तो इस तरीके से एक पंथ दो काज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा है एक बड़े से टफ प्लांटर में ये जिरेनियम। तो जिरेनियम को भी आप आगे के लिए तैयार कर सकते हैं। आगे सर्दियों में ये बहुत सुंदर पुष्प हमें देता है, बहुत सारे कलर्स इसमें आते हैं, तो ज़रूर आप इसे भी लगाएं। उसके साथ ही यहाँ पर देखिए, एक स्पाइडर प्लांट के कंटेनर जो है इसमें लगे हैं ये दो तीन कोलियस। तो ये कोलियस स्वतः ही इनका जर्मिनेशन हुआ है सीड्स के माध्यम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुंदर सा कोलियस, इसका रंग कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके साथ ही इसे एनहेंस कर रहा है ये नियॉन कलर का स्वीट पोटैटो वाइन। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप कलर कंट्रास्ट को ध्यान में रखकर अगर पौधों को अपने गार्डन में अरेंज करते हैं, तो वहाँ की सुंदरता सचमुच देखते ही बनती है। आप देख सकते हैं दोनों कलर कंट्रास्ट को बेहद ही खूबसूरत इस जगह को बनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्लांट मेरा ये लगा है, ये है फ्रेंड्स एग्लोनिमा का प्लांट। वैसे तो फ्रेंड्स, एग्लोनिमा की कोई भी वैरायटी हो, ये पार्शियल शेड में चलने वाले प्लांट है। यहाँ पर ग्रीन नेट के नीचे से लगाया है, तो बहुत अच्छे से ये ग्रो हो रहा है। ये जिरेनियम है फ्रेंड्स, इसको भी मुझे आगे के लिए प्रिपेयर करना है, ताकि आगे सर्दियों में बहुत सुंदर ये फूल दे। काफ़ी सारे प्लांट्स इसके मेरे पास है, आगे के लिए इन्हें तैयार करूँगी। उसके साथ ही यहाँ पर एक हैंगिंग में मैंने लगाई है वडेलिया। तो वडेलिया वैसे तो ग्राउंड कवर के लिए भी यूज़ होती है, फिलहाल मैंने इसे हैंगिंग के लिए इस्तेमाल में लाया है। पीले रंग के इसके पुष्प आते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। फिलोडेंड्रॉन है फ्रेंड्स, ये देखिए एक हैंगिंग में मैंने इसे आपके साथ लगाया था, तो अभी इसमें और सारी कटिंग्स में लगाऊंगी। अभी थोड़ा सा ये थोड़ा मतलब उतना ज़्यादा बूशी प्लांटर नहीं हो रखा है। उसके साथ ही फ्रेंड्स, ये वॉन्डरिंग जीव है, जिसे मैंने अपने जो लॉन एरिया में है वहाँ पर लगाया था, यहाँ पर भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। उसके साथ ही यहाँ पर सिंगोनियम की एक बास्केट है, और उसके नीचे ये ट्रेल करती हुई बास्केट से ये बहुत ही खूबसूरत सी ये वाइन के तौर पर भी फैलती है। अगर आप चाहें तो इसे कट कर दें तो ये बूशी लुक देगी, अन्यथा आप इसको इस तरीके से ट्रेल भी कर सकते हैं, मॉस्टिक पर भी चढ़ा सकते हैं। छोटी सी कटिंग से भी इजीली प्रोपगेशन इसका हो जाता है। यहाँ पर मैंने इसमें दो तीन कटिंग्स मैंने लगाई थी, देखिए काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गई है। उसके साथ ही फ्रेंड्स, सरकारी नर्सरी से लाया गया मेरे ये बैम्बू प्लांट तो इस जगह को बहुत ही सुंदरता प्रदान फ्रेंड्स कर रहा है। आप देख सकते हैं इसकी हाइट कितनी बढ़ गई है, और देखिए एक स्टिक है, इतनी बिल्कुल ग्रीन नेट को लग रहा है कुछ समय बाद ये पार कर जाएगी। ये देखिए कितनी लंबी स्टिक हो गई है, और काफ़ी जगह इसने स्पेस यहाँ पर ले लिया है, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर आप देखिए स्वीट पोटैटो वाइन को हम कटिंग के द्वारा भी लगा सकते हैं। मेरे पास इसके तीन शेड्स हैं, आप देख सकते हैं, एक शेड ये है, ये भी बहुत ही खूबसूरत स्वैप में मुझे ये मिला था, एक ये है और एक डार्क शेड है। यहाँ पर ये जनाडो का एक प्लांट है, देखिए ये सारे के सारे मेरे टेरेस गार्डन में ही रखे गए प्लांट है, ग्रीन नेट के नीचे हैं, तो बहुत अच्छे से सर्वाइव यहाँ पर ये करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत बैम्बू का प्लांट। उसके साथ ही यहाँ पर ये ग्रास का प्लांट है, ये देखिए आगे मैं नहीं जा सकती, ये सिंगोनियम है, क्योंकि यहाँ पर सारा कोलियस कलेक्शन मेरा रखा है। ये देखिए कितना सारा मेरा कोलियस कलेक्शन, और फ्रेंड्स अब ये काफ़ी लैगी से ये प्लांट्स इसके हो गए हैं, तो फटाफट से इन सभी की कुछ कटिंग्स तो मैंने लगा ली हैं, और आगे मुझे इनको सेव भी करना है, तो आगे फिर से इनकी खूब सारी कटिंग्स मैं लगा दूँगी। उसके साथ ही यहाँ पर डेविल्स बैकबोन है, ये है फ्रेंड्स ड्रेसिना बेबी डॉल वाली वैरायटी, और ये देखिए ये लेडी पाम है, ये देखिए लेडी पाम है, और यहाँ पर
ये देख सकते हैं आप स्पाइडर प्लांट और उसमें अपने आप हो गए ये देखिए कोलियस। तो ये देखिए कोलियस तो जगह जगह बहुत सारे स्वतः ही उगाते हैं सीड्स के माध्यम से। तो सीड्स अगर आप बनने देंगे उस तरीके से आपको प्लांट भरपूर मिलेंगे अपने बागवानी में। तो ये देखिए लगभग मेरे कोलियस ख़त्म ही हो गए थे, लेकिन समय जैसे जैसा आता रहा तो स्वतः ही काफ़ी सारे जो मेरे कलेक्शन थे पुराने उसमें से धीरे धीरे मुझे प्लांटर्स में से इसके प्लांट्स मिले, और फिर से मेरा ये 15-16 जो कोलियस है उसका कलेक्शन मेरा फिर से मैंने जमा लिया। आप देखिए ये है इरेंथमम का प्लांट, फ्रेंड्स देखिए कितना बूशी ये प्लांट हो गया है, मतलब एक गमले में लगा है और चारों तरफ को इसकी जो शाखाएं हैं वो फैल रही हैं और बहुत सुंदर कलर ऐड करता है जहां पर आप इसे रखते हैं ग्रीनरी के बीच में। ये देखिए टर्टल वाइन है और बीच में है पर्पल हर्ट। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहां पर मैंने ये देखिए कुछ हैंगिंग्स है, और ये है जो फायर क्रैकर्स प्लांट होता है रशियल प्लांट। ये देखिए इस तरीके से इसमें पुष्प आते हैं और पहली बार मैंने इसे हैंगिंग प्लांटर में लगाया है इस तरीके से, जैसे कोई फायर क्रैकर्स शायद इसीलिए इसका नाम है क्योंकि इस तरीके से मतलब इधर उधर को बिखरा हुआ सा रहता है और इसमें नीचे पुष्प आते हैं। तो जैसे हम अनार जलाते हैं ना उसी तरह से इसमें इसके टिप में जाकर के ये फ्लावर्स रखते हैं रेड, और इसमें वाइट भी आता है। ये एक्लिफा का प्लांट है तो बहुत ही खूबसूरत एक्लिफा में भी फ्रेंड्स एक रेड वाली वैरायटी भी आती है और एक थोड़ा सा एक अलग वैरायटी भी आती है। तीन वैरायटी मैंने इसमें देखी हैं और मैंने एक वैरायटी इसकी रेड वाली है वो मैंने कहीं से कटिंग से ला करके मैंने तैयार कर ली है, आगे मैं उसे शिफ्ट करूँगी प्लांटर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी है फ्रेंड्स, ये भी मेरे टेरेस पर ही रखी गई है, ग्रीन नेट के नीचे हैं तो देखिए कुछ भी नहीं होता, बहुत अच्छे से ये चलते हैं। और देखिए तीन प्लांटर में मैंने ये मटका प्लांटर है फ्रेंड्स जो हम घर में कुछ खाने के लिए लाते हैं जैसे बिरयानी वगैरह, तो उसमें ये प्लांटर्स हमें मिलते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से इसे थोड़ा बहुत हम रंग रोगन करके इस तरीके से खूबसूरत हम उन्हें बना दें और उसमें प्लांट लगा दें तो फिर कहने ही क्या। इसे चाहो तो आप हैंग भी कर सकते हैं जो रस्सियाँ होती हैं उसके माध्यम से, बहुत ही खूबसूरत। और जो हैंगिंग प्लांटर्स हम मार्केट से परचेज करके लाते हैं उनसे कम क्या, ये उनसे अधिक खूबसूरत लगेंगे, बहुत ही खूबसूरत, वेस्ट का बेस्ट यूज़ आपका होता है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। सुदर्शन का प्लांट यहाँ पर है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट भी होता है, वाइट कलर के जो फ्लावर्स होते हैं इसमें आते हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स एक प्लांट आपको दिखाती हूँ, ये फिश बोन कैक्टस है और इसकी एक वैरायटी आपको दिखाती हूँ। कुछ समय पूर्व मैंने इसे शिफ्ट किया है, ये देखिए एक छोटे से प्लांटर में लगी थी और देखिए इसे मैंने बड़े प्लांटर में शिफ्ट किया है। अब इसकी अच्छी ग्रोथ आगे होगी क्योंकि लगभग 2 वर्षों से इसी प्लांटर में एक छोटे से बॉटल में लगा था। कोलियस की कटिंग्स देखिए इस तरीके से मैं जो प्लांटर है उनके बेस को यूज़ कर लेती हूँ कटिंग लगाने के लिए। देखिए ये है गोल्डन जूनिपर का प्लांट, देखिए कितना टॉल ये हो गया है और 10 इंची के प्लांटर में ये लगा है, ये देखिए इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है। और फ्रेंड्स वीडियो के ऊपर जो मेरी फिंगर आ रही है उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। उसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं टोरियनिया के मेरे बहुत सारे प्लांट्स यहाँ पर हैं जो अभी भी बहुत बेहतरीन तरीके से ब्लूमिंग कर रहे हैं। उसके साथ ही टोरियनिया को मैंने कटिंग से भी लगाया है, देखिए 3 कंटेनर तो मैंने आपको ये दिखा दिए, बहुत ही सुंदर। आपको पास से मैं दिखाऊँ तो कितनी खूबसूरत रंग बिरंगे फूल इसमें आते हैं, बहुत ही खूबसूरत। और देखिए और एक फ्रेंड्स ये वाइट गॉम्फ्रिना है जिसको कटिंग के माध्यम से मैंने तैयार किया है और दिखाती हूँ आपको, ये भी टोरेनिया की काफ़ी सारी कटिंग्स हैं, ये एक मैंने बास्केट में लगाई हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिकन पेटूनिया के 2 शेड्स मेरे पास हैं, एक पिंक है और एक थोड़ा सा डार्क पर्पल में है। तो ये वाइट वाली वैरायटी मेरे पास नहीं है, ये देखिए ये डार्क पर्पल है और पिंक शेड है, ये 2 शेड मेरे पास यहाँ पर हैं ये देखिए। और कुछ मेरे और बड़े प्लांटर में भी लगे हैं, कोलियस मेरे कटिंग से तैयार किया गया। ये है फ्रेंड्स 4 o'clock, अभी सुबह 7:30 बजे का समय है तो ये भी थोड़ा बहुत खिल रहा है। ये देखिए सदाबहार जो कि सदा ही खिलता रहता है, बहुत ही हार्डी प्लांट ये होता है फ्रेंड्स, देसी वैरायटी जो होती है। ये देखिए आप फिर से रंथमम जिसको कटिंग से मैंने तैयार किया है, और देखिए एक मैंने ये ग्रो बैग में लगाया है, 8 इंची का ग्रो बैग ये होगा, बहुत ही खूबसूरत। उस जगह को एक
लुक देता है ये। देखिए आपको दूर से दिखाऊं तो इस तरीके से ग्रीनरी के बीच में कलर ऐड करता है, और इसको मैंने हैंगिंग में भी लगाया है, काफ़ी बार मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत ये कोलिया स्वतः ही बीच से इसमें उगा हुआ। तो इस तरीके से जो प्लांटर है उसके कलर जो है उसको इग्नोर कीजिए फ्रेंड्स। आगे अब मौसम अच्छा हो गया है तो मैं इन सभी को फिर से मैं रिपेंट करूँगी। उसके आगे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर आप देखिए ये कॉस्मोस के स्वतः उगे हुए प्लांट है, मल्टी पेटल में ये है। बहुत ही सुंदर ये प्लांट होता है, जगह जगह स्वतः ही एक बार लाने के बाद ही ये पनप जाता है। कुछ रोज़ेस भी यहाँ पर खिल रहे हैं, एक आपको बहुत ही खूबसूरत रोज़ दिखाती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका रंग है और आकार भी आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर ये तीन पुष्प यहाँ पर खिल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड्स। तो अभी मुझे रोज़ेस को भी फर्टिलाइज़ करना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं लेमन ग्रास का एक प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत इसकी भी ग्रोथ चल रही है। ये देखिए काफ़ी हेल्दी ग्रोथ इसकी है। इस तरफ मैं आऊँ तो यहाँ पर कोलियस को आप देख सकते हैं, कुछ दिनों पूर्व जब बारिश लगभग हमारे यहाँ तो फ्रेंड्स रोज़ ही आ रही थी, दिन में नहीं तो रात को हो जा रही थी, नहीं तो फिर सुबह बारिश होती थी तो दिन में धूप आती है, तब तक इसके शेड्स बहुत अच्छे तरीके से मतलब चल रहे थे, बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा था। तो फ्रेंड्स अब बारिश बंद हो चुकी है तो कहीं ना कहीं कलर्स में इसके फ़र्क पड़ता है। ये देखिए फुल सनलाइट में रखे गए कोलियस में इस तरीके से जो कलर जो होते हैं वो उड़ जाते हैं, आप देख सकते हैं इसके पत्तियों के कलर्स उड़ गए हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पार्शियल शेड में चलने वाला प्लांट है। लगभग सुबह की जो हल्की धूप होती है 2-3 घंटे की ये बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन मेरा ये फुल सनलाइट में रखा गया प्लांट है तो इसकी पत्तियाँ आप देख सकते हैं इसके कलर्स फेड होने लगे हैं। तो ये थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ये कलरफुल प्लांट है तो बहुत ही खूबसूरत फिर भी ये लगता है, देख सकते हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं कलर में फ़र्क पड़ता है धूप के रखे गए प्लांट में और थोड़ा सा पार्शियल शेड में रखे गए प्लांट में, ये आप देख सकते हैं। लेकिन खूबसूरती में कहीं कमी नहीं आई है और यहाँ पर सदाबहार आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये है बेबी डॉल ड्रेसिना की वैरायटी, इसको भी मैंने नीचे डक प्लांटर है उसमें शिफ्ट करना है, तो अब बारिश बंद हो गई है तो अब मैं शिफ्ट कर रही हूँ तो समय ही नहीं मिला फ्रेंड्स। लेकिन अब बारिश बंद होते ही काफ़ी सारे काम अब दिखाई देते हैं, क्योंकि बारिश के कारण भी काफ़ी सारे काम रुक गए थे, काफ़ी सारे काम पेंडिंग थे, तो अब वो सभी कुछ बिल्कुल सुचारू रूप से चलेंगे, फिर से सक्रिय होगा हमारा कार्य इस बागवानी के प्रति। तो ये थी मेरी आज की जो अपनी गार्डन अपडेट है कि क्या क्या आखिर मेरी बागवानी में हो रहा है। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आप सभी को ये अपडेट मेरा पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ऐसी ही गार्डन से रिलेटेड वीडियोस में आप सभी के लिए समय समय पर मैं डालती रहती हूँ। तो फिर से मिलती हूँ एक नई शेयरिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद आप सभी मित्रों का, हैप्पी गार्डन।